वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। अब हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 चैप्टर 1 के सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है कि रेस्टन ये रेस्टन है कि नहीं। तो 2 - √5 है, ठीक है, हमारे पास पहला देख रहे होंगे आप लोग। तो 2 - √5 को अगर रैशनलाइज करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2 - √5, ठीक है। ये एक तरीका है रैशनलाइज फाइंड करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ही कुछ कटवट जाए तो हम लोग आराम से उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो नीचे के नीचे ऐसे ही रह जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब लेकिन ये वाला देखिएगा 3 + √23 - √23, तो ये √23 - √23 तो एक ही नंबर है, दोनों कट जाएगा, 1 - 1 0 होता है, तो √3 - √23 0। 3 क्या हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरह 2 / 7 का आइएगा, तो 2 / 7 क्या देखिए, 2 / 7 बच रहा है, वो 2 √7 है, √7 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 √7 है, और नीचे 7 √7 लिख सकते हैं, ये √7, ये √7 कट जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो हम नहीं काट सकते, तो 2 + √7 और 7 + √7 होता नीचे, तो सर √7 नहीं काटेंगे, मल्टीप्लीकेशन में इसीलिए हमने काट दिया, तो ये भी रेशनल हो गया। 4 पे आइएगा, 4 आपका सिंपली इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। 2 π इरेशनल नंबर है, तो 2 π भी इरेशनल होगा। अब हम अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ को नहीं बताया था, ऐसे मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों को आती होगी कि बहुत सिंपल है, ठीक है, बस रूट के होने के कारण आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसमें करना क्या पड़ता है, पहले इस नंबर से, इसके पहले नंबर से पहले इसको मल्टीप्लाई करना था, 3 × 2 = 6, साइन दोनों का प्लस प्लस रह गया। अब अगला देखिए, √3 × √2 करना पड़ेगा, तो 3 √2 हो जाएगा, इसका साइन भी प्लस, इसका साइन भी प्लस, तो प्लस हो गया, ये हो गया √3 × 2, तो क्या हो जाएगा, 2 √2। √3 × √2 है, तो हमने क्या सिखाया था, अगर दोनों रूट में एक ही जैसे है तो √3 × 2 कर देंगे, तो 6 हो गया, √6। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन दोस्तों आपका ये यही क्या के अटक जाएगा, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर ये √2 होता, ये √2 है, अगर ये भी √2 होता तो हम लिख देते 5 √2, बट ऐसा है नहीं, नहीं लिखेंगे। बाकी दोस्तों आपको खुद करना है, जैसे कि दूसरे वाले में आपका हो जाएगा 3 / √3, क्यों, क्योंकि ये a + b × a - b और a + b × b हम लोग जानते हैं क्या होता है, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो ये हमारा √3 + √3 था 3 / √3 था, तो a² - b² कर दिए, ये अगर 9 यहाँ आएगा 3, तो ये हो गया 6। अगला भी सॉल्व कर देते हैं मैं आप लोगों के लिए, ये है आपके a + b² का फॉर्मूला क्या होता है, वीडियो पॉज करिए जल्दी से लिखिए कमेंट में अगर आपको पता है तो, वरना देखिए होता है, आशा करता हूँ कि आपने लिखा होगा a² + b² + 2ab, ठीक है। और अगर हम इसको करेंगे √5 + √2² तो आपका क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2, या आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 2, और ये हो गया आपका 2√10, ये हो गया आपका 7 + √10, ठीक है। इस तरह का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगला दोस्तों फिर सिंपली है, √5 - √2 = √2, एक ही बात है, ये a - b को 5 लिखा गया, a + b को, तो a² - b² आ जाएगा। इसका सोल्यूशन करके मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए क्या सोल्यूशन आया, अगर आप वीडियो को देख रहे हो। अगला दोस्तों ये सिंपल है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। तो दोस्तों होता है एक्चुअली सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का 2πr होता है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि 2πr को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डायमीटर से, डायमीटर 2r होता है, कट जाता है, तो बोल रहे हैं कि इसको हमने c मान लिया है, ठीक है, और ये हमने d मान लिया है। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो इरेशनल नंबर क्यों नहीं आता, ये हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो आपको समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप लिख सकते हैं कि सिंस स्केल से हम लोग कुछ और नंबर मार्क, सिंपल सिंपल होल नंबर मार्क करते हैं, इसी कारण से उसको नहीं कर सकते। अब √9 9.3 को आपको निकालना है नंबर 9 पे,
ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले सिखाया है स्टार्ट में ही, आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं इसे, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आएगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर से ज़रूर बताऊँगा। आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको रूट 3.5 कहीं से लेके आना है, तो आप पाइथागोरस यूज करिए, सर्कल का फॉर्मूला यूज करिए, कहीं से आप यूज करके ले आइए, और बेटर है सर्कल का फॉर्मूला यूज करिए, वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आता है, आपके एनसीईआरटी बुक में समझाया हुआ भी है, अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कल, परेशान मत होइए। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों मुझे लगता है शायद खत्म हो गया चैप्टर, सही से नहीं, कुछ क्वेश्चन बाकी है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना जो मैंने सिखाया है आपको अभी, सिर्फ साइन चेंज करना है और हो जाएगा। जैसे 1/√7 है तो ऊपर में आप √7, नीचे में √7 मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा। 1/√7 √6 है तो √7+6 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए, सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए मुझे कितना आपका सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा तो भी बताइए, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर चांसेस है कि आपका नहीं हो, ऐसा नौबत तो नहीं आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। वी नीड योर सपोर्ट टू बिकम बिग एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।